नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। आपको जानकर ये अपार हर्ष होगा कि आपके शहर आजमगढ़ में सेंचुरी प्लाई के शोरूम का भव्य शुभारंभ 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे से होने जा रहा है। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कार्यक्रम स्थल है वर्मा टावर तनिष्क शोरूम दरौली आजमगढ़, जिसके प्रोप्राइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 94-15-20-77-28। धन्यवाद। आजमगढ़ नगर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती और भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर भारी संख्या में मौजूद नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और नमन किया। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आज जयंती है। वह उच्चकोट के बुद्धिजीवी और विचारक थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में एक समर्पित नेता के साथ साथ संसद के रूप में भी बहुत योगदान दिया। वही भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। आज हम सभी इन महान विभूतियों को याद करके उनके आदर्शों को विचारों व पक चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की जो परिस्थितियां हैं उनमें पूंजीवाद व लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं, उनसे कोई लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग ही लड़ सकते हैं। उन्हें कोई हटा नहीं सकता है तो सिर्फ और उन्हें कोई हटा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, उनके लोग ही हटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भगत सिंह और लोहिया जी के आदर्शों की प्रासंगिकता उस समय बढ़ गई है और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर हम लोग 2024 में बीजेपी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस दौरान भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, पदाधिकारी मौजूद थे। मुझे ये बैठक नहीं है, ये प्रखर समाजवादी विचारक डॉक्टर लोहिया, जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अग्रणी नेता थे, उनकी जयंती है। और वहीं पर दूसरी तरफ देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नौजवानों के प्रेरणा स्रोत, समाजवाद के प्रवर्तक, समाजवाद को जीने का संकल्प लेने वाले शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहादत दिन भी है। आज हम सब लोग उनको याद करके उनके आदर्शों पर चलने, उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेते हैं। और आज देश की जो परिस्थितियाँ हैं, देश में जो पूंजीवाद, फासिस्ट और लोकतंत्र विरोधी ताकतें देश पर हावी हो रही हैं, उनसे अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो समाजवादी विचारधारा के लोग ही लड़ सकते हैं, वही लोग उनके हटा सकते हैं। इस कारण आज डॉक्टर लोहिया भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। उस प्रासंगिकता के आधार पर हम लोग काम करेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाने का काम करेंगे। यह निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेताओं को लेना है और उसमें पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो काफ़ी जिम्मेदार लोग, अनुभवी लोग हैं। जो भी निर्णय होगा वो देश हित में होगा, लोकतंत्र के हित में होगा, संविधान के हित में होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का होगा। और उस निर्णय को आप देखते रहिए, काम हमको करना।